गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग पॉलिनेशन। आज हम पढ़ेंगे परागण। जब पुष्प परिपक्व हो जाता है, चाहे वो एकलिंगी पुष्प हो, चाहे द्विलिंगी पुष्प हो, किसी भी प्रकार का पुष्प हो, जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें परागकणों का निर्माण हो जाता है और स्त्री केसर परिपक्व हो जाता है। परागण की जो क्रिया होती है, ये पुष्प के परिपक्व होने के बाद घटित होती है। परागकण, जो परागण होता है, उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, पुंकेसर के परागकोष से परागकणों का उसी पुष्प या एक ही पौधे के अन्य पुष्प या किसी अन्य पौधे के पुष्प के वृत्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो घटना होती है, उसे परागण कहा जाता है। परागकोष से परागकण जब स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहा जाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयं परागण या स्वपरागण भी इसको कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं स्वयं परागण अथवा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो स्वपरागण की क्रिया होती है, ये अधिक मेनली जो है द्विलिंगी पुष्पों में होती है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिनमें नर और जनन जो अंग होते हैं वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उनमें ये स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। और इसके अंतर्गत परागण की जो ये क्रिया होती है, इसमें परागकण एक ही पौधे के समान पुष्प, उसी वृत्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र तक जब वो पहुँचते हैं तो उसको स्वयं परागण या स्वपरागण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको क्लियर करना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है ऑटोगैमी। जो स्वपरागण है वो अपने आप में ऑटोगैमी उसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी सेम फ्लावर के वृत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो उस क्रिया को ऑटोगैमी कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें होमोगैमी। होमोगैमी होता है कि पुष्प खुला हुआ है। दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक पुष्प बंद पुष्प होता है, एक खुला पुष्प होता है। जब पुष्प खुला हुआ है और उस खुले हुए पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो उस क्रिया को होमोगैमी कहा जाता है। तीसरा है इसमें क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी के अंतर्गत क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, वो पुष्प कभी खुलते नहीं हैं, और बंद पुष्प के वृत्ति जो परागकण होते हैं, जब उसी बंद पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस क्रिया को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। चौथा है इसमें गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी में जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प, अभी तक हम देख रहे थे उसी पुष्प, अब है जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प या उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ये घटना तब हो सकती है गीटोनोगैमी, जब हमने क्यारी में जो है एक ही, जैसे क्यारी में केवल मटर हो रहे हैं, केवल मटर के पौधे हो रखे हैं, तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक भी जा सकते हैं, तो उस घटना को हम गीटोनोगैमी कहते हैं। ये सारी घटनाएं स्वपरागण की घटनाएं हैं। अब जो स्वपरागण की घटना होती है उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है जिनके कारण स्वपरागण की घटना होती है। जैसे सबसे पहली परिस्थिति है इसके लिए कि पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, कि वो जो पुष्प है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, कि उसमें जो है मेल और फीमेल ऑर्गेंस जो है एक ही पुष्प के अंदर हो। दूसरा, पुष्प का रंगहीन होना होता है। ऐसे पुष्प जो होते हैं रंगहीन होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, गंधहीन होते हैं, जिससे कि इनमें स्वपरागण क्रिया होती है और कीट इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। पुष्प में जो मकरंद होता है, जिससे बाद में शहद बनता है, जिसको कि हनी भी लेती है, और उसके वो जो है, तो वो हनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उसमें मकरंद का उत्पादन नहीं होता है और उसमें जो है स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। अगला जो पॉइंट है इसमें जो है, जब नर और मादा जो भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, वो पुष्प में एक ही समय में परिपक्व होते हैं, जिससे कि उनमें स्वपरागण की घटना हो जाती है। और पांचवा जो पॉइंट है, ऐसे पुष्प जो है वो हमेशा बंद रहते हैं, तो उनमें जो है वो हमेशा जब बंद रहते हैं तो उसको हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं, और उनमें भी स्वपरागण की क्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं, स्वपरागण के लाभ भी होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। जैसे स्वपरागण में जो है
एक तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि उसको कीट के द्वारा परागण की क्रिया नहीं करनी होती है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा, जो है किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिंपली जो है परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये बहुत आसानी से होती है और निश्चित होती है, कन्फर्म है कि होना है इसने, क्योंकि पुष्प द्विलिंगी है। और पुष्प का आकर्षक होना जरूरी नहीं है इसके लिए, गंध युक्त होना जरूरी नहीं है, मकरंद युक्त होना जरूरी नहीं है, आसानी से जो है इसमें स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। इसमें जो है जो स्वपरागण की क्रिया होती है, इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, क्योंकि एक ही पौधे में जो है स्वपरागण की क्रिया होती है और बीज में जो है उसी पौधे के गुण होते हैं, तो जो बीज प्राप्त होते हैं वो शुद्ध नस्ल के बीज होते हैं। इसके अलावा ये जो पुष्प होते हैं स्वपरागण वाले पुष्प, इनमें जो है परपरागण संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये तो लाभ है, इसके अलावा जो है स्वपरागण से कुछ हानियां भी होती है। इनसे उत्पन्न जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और कम मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो दुर्बल होते हैं और अल्प जीवन संघर्ष उनमें होते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो नई पादप जातियों का जो विकास है वो स्वपरागण से संभव नहीं हो पाता है, मतलब विकास की संभावना कम होती है। उसके बाद हम अब आते हैं, ये तो स्वपरागण हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं परपरागण। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोला जाता है। परपरागण की जो क्रिया होती है, जब एक पुष्प के परागकोष से परागकण आनुवंशिक रूप से जो जेनेटिकली डिफरेंट जो प्लांट होता है, आनुवंशिक रूप से भिन्न किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को पर निषेचन भी कहते हैं, एलोगैमी भी इसको बोला जाता है, इसको जीनोगैमी भी शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब परपरागण के लिए जो है एक परिस्थिति होती है इसके लिए, कि इसके लिए हमेशा किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कीट के द्वारा होता है ये, या वायु के द्वारा होता है, या जल के द्वारा होता है, या किसी मनुष्य के द्वारा होता है, या किसी जानवर के द्वारा जो है ये घटना होती है। अब इसके लिए जो है कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे एक परिस्थिति है इसके लिए कि एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। ये परपरागण की क्रिया तभी होती है जब पौधा या तो एक लिंगी होता है या पुष्प एक लिंगी होता है। ये दो परिस्थितियाँ इसके सामने आती है, एक होता है उभय लिंगाश्रयी पौधा, मोनोइसियस इसको बोला जाता है, जब नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं। एक ही पौधा है उसमें नर पुष्प अलग लगा हो, उस नर पुष्प में केवल पुंकेसर हो रहे हैं और उसी पौधे में मादा पुष्प लगे हैं जिनमें किस तरीके सर, जैसे मक्का, मक्का हो गया, अरंड हो गया, लौकी हो गया, खीरा, कद्दू, ये सब जो है एक लिंगाश्रयी मोनोइसियस होते हैं। दूसरा है इसको जो है उभय मोनोइसियस बोला जाता है। दूसरा होता है एक लिंगाश्रयी या डायोसियस इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो पुष्प नर पुष्प होते हैं वो एक अलग पौधे में होते हैं और मादा पुष्प जो है होते हैं वो अलग पौधे पे होते हैं, तो उसको डायोसियस बोला जाता है। जैसे सहतूत हो गया, पपीता हो गया, एक पपीते का पेड़ होगा, एक सहतूत का पेड़ होगा, तो उसमें केवल नर पुष्प लगे होंगे, दूसरा पौधा होगा उसमें केवल मादा पुष्प लगे होंगे, तो इस प्रकार से। अब इसके अलावा जो परपरागण की घटना होती है उसके कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे एक कारण है उसका स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी इसको बोला जाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता उसको कहते हैं जब नर और मादा जननांगों के मध्य बाधा उत्पन्न होती है, मतलब पुंकेसर के और स्त्रीकेसर के बीच बाधा होती है कि जो परागण की क्रिया वो नहीं हो पाती उसी पौधे में, उसी पुष्प में, तब स्वपरागण नहीं हो पाता है और तब परपरागण की क्रिया होती है। दूसरा है भिन्न काल पक्वता, इसको डायकोगैमी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई द्विलिंगी पुष्प है माना, और उसमें नर और मादा जो जनन अंग है वो अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, जब अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो उसमें जो है स्वपरागण नहीं होगा, उसमें परपरागण होगा। इसके लिए भी दो परिस्थितियाँ होती है, जैसे एक है पुंप पूर्वता, प्रोटो इसको जो है प्रोटेंड्री बोला जाता है, पुंप पूर्वता इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नर जनन अंग जो पुंकेसर होते हैं वो मादा जनन अंगों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, जैसे तुलसी हो गया, सूर्यमुखी हो गया, तो इनमें जो है
स्वपरागण नहीं हो पाता है, तब वो दूसरे पुष्प पे उन पुंकेसरों को जाना होता है, या दूसरे पुष्प के पुंके जो परागण है वो उस पुष्प पे जो है आते हैं। दूसरी घटना इसमें होती है स्त्री पूर्वता, या इसको जो है प्रोटोगाइनी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो मादा जननांग होते हैं वो नर जननांगों से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जिससे कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती। जैसे चंपा हो गया, तंबाकू के फूल हो गए, इनमें जो है वो जो स्त्री केसर होता है वो जल्दी परिपक्व हो जाता है। तीसरा है इसमें परगुणता, इसको बोला जाता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि कुछ पौधों के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर तेजी से अंकुरण करते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं करते हैं, वो अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर तेजी से अंकुरण करते हैं, जिससे कि परपरागण होता है। अगला पॉइंट है इसमें विषम वर्तिकाग्र, हेट्रोस्टाइली इसको बोला जाता है। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि जब जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसका वर्तिकाग्र बड़ा होता है और पुंकेसर छोटे आकर के होते हैं नीचे, तो क्या होता है उसी पुष्प के जो परागकण होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता, तब परपरागण की घटना उसमें होती है। अब परपरागण के लिए कुछ के जो है कुछ लाभ है, जैसे पहला है नई जातियों का विकास। जब अलग अलग पौधे होंगे, अलग अलग पौधों के बीच परागण की क्रिया होगी, तो उससे उसमें विभिन्नताएं भी आएगी और नई जातियों का विकास होगा। बीज जो होते हैं इससे उत्पन्न वो स्वस्थ होते हैं, जीवनक्षम होते हैं, मतलब वाइबल होते हैं, ज़्यादा देर तक जीवित रहने वाले बीज इसमें होते हैं। रोग निरोधक होते हैं ये बीज, ये पौधे जो इनसे उत्पन्न होते हैं रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं, मजबूत होते हैं। इनमें फल अधिक लगते हैं और अच्छी किस्म के फल लगते हैं। जीवन संघर्ष की जो है इनमें क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा हानियां भी होती है। पहली जो हानि है वह है माध्यम की आवश्यकता होती है, हमेशा कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य कारक जरूरी है, अगर वो नहीं पहुँचेंगे तो परपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये जो पौधे होते हैं ये शुद्ध पौधे प्राप्त नहीं हो पाते, इनमें जो है विभिन्नताएँ पाई जाती है। इसमें जो है क्योंकि हवा के द्वारा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है या किसी अन्य माध्यम से एक स्थान से दूसरे, तो इसमें परागकणों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ इधर उधर गिर जाते हैं, कुछ किसी कीट के पैरों पर चिपक कर रह जाते हैं, तो परागकणों की ज़्यादा मात्रा में इसमें आवश्यकता पड़ती है।